अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़फ़र मिर्ज़ा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हुआ है सेना मेडिकल कॉलेज में। तो कुछ अब क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम किस कॉलेज को पहले प्रेफर करें। मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। आई थिंक जो मैंने अपने अभी तक जितनी भी जर्नी है मेडिकल कॉलेज की, तो उससे जो सीखा है। तो फर्स्ट चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप ना एक कॉलेज में एडमिशन, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप पासिंग क्राइटेरिया उसका देखें। आप उसके प्रीवियस जितने भी ईयर्स के रिजल्ट आ चुके हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तो उनके पासिंग क्राइटेरिया देखें क्या है। 90 है, 70 है, 80 है, मतलब हर कॉलेज के देखें। तो उन्हें आपस में कंपेयर करें और देखें कि किसका सबसे ज़्यादा है। जिसका सबसे ज़्यादा हो आपके लिए बेहतर है कि आप उसे प्रेफर करें, क्योंकि लास्ट पे प्रॉप के डेज में जो होता है ना, वही मैटर करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। और जिस कॉलेज का क्राइटेरिया ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो लगता है वो कॉलेज ज़्यादा अच्छी तैयारी करवाता है। अब जो है एवसीना का, अगर हम देखें तो एवसीना का जो पासिंग क्राइटेरिया वो काफ़ी अच्छा है बाकी कॉलेज से। बाकी इसकी दूसरी चीज़ें काफ़ी बुरी हैं या अच्छी हैं, लेकिन इसका पासिंग क्राइटेरिया जो है वो मेंटेन है, 90% तक, या फिर ज़्यादा ज़्यादा नीचे जाए तो 80 या 85% तक है। तो इसका पासिंग क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा है, उसके लिहाज से ये काफ़ी बेहतर है। ऑब्वियसली ये फेमस भी इस चीज़ के लिए है कि इसकी स्टडीज़ और पासिंग एवरीथिंग। तो आपने अगर एवसीना नहीं भी प्रेफर किया, आपने बाकी कॉलेज भी किया, अल अलीम और रहमबर को आपस में आप इन दोनों में से आप कन्फ्यूज हैं, तो आप इन दोनों में से दोनों का पासिंग क्राइटेरिया देखें कि किसका ज़्यादा है, तो आप वो प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद आया सेकेंड चीज़ ये है कि आपके लिए कन्वीनियंट है आप वो कॉलेज प्रेफर करें जो आपके घर के पास है या फिर आपके होम टाउन में है। मैं तो कहूँगी ये बेहतर है कि आप डे स्कॉलर हो रेदर देन हॉस्टल, क्योंकि आप घर रहकर ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हो, अपने पेरेंट्स के पास, और आपके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है वगैरह, ऑल दिस थिंग। जब आप हॉस्टल में रहते हो आपको सारा काम खुद करना पड़ता है, स्ट्रेस अलग, ये वो, अनलेस कि आपके कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स ना बने जो आपके लिए मॉरल सपोर्ट हो वगैरह सब कुछ। अदरवाइज मैं प्रेफर करूंगी कि आपके घर के पास जो कॉलेज है वो आप ज़्यादा प्रेफर करें। लेकिन फिर यही चीज़ है, बाकी चीज़ों को भी आपने देखना होता है, तो वो जो आपको बेहतर लगे वो करें, लेकिन हॉस्टलाइट होना ज़्यादा बेहतर, नहीं सॉरी डे स्कॉलर होना ज़्यादा बेहतर है हॉस्टलाइट से। थर्ड चीज़ ये कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसके इवेंट्स वगैरह देखें, उसे देखें कि उसके अंदर मेडिकल स्कूल में स्टडीज़ के अलावा और क्या चीज़ें, या फिर उस कॉलेज के आसपास जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो, लाइक जो स्टडीज से हट कर, तो ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप सिर्फ स्टडी करना मैटर नहीं करता, आपकी और एक्टिविटीज़ हो जो आपको माइंड फ्रेश रखे, जो आपको स्टडी करते करते डिप्रेशन में ना ले जाएं, क्योंकि एक मेडिकल स्कूल में डिप्रेशन बहुत कॉमन है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है बच्चों के दरमियान में। तो एक एक्स्ट्रा हॉबी होना, एक एक्स्ट्रा जो भी कह सकते हैं वो, एक एक्स्ट्रा हॉबी होना ज़रूरी है ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप ज़्यादा बेटर है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आप अपने कॉलेज में ज़रूर देखें कि वहाँ पे क्या होता है वगैरह। तो ये तीन चीज़ें आप प्रेफर करें, फर्स्ट ये कि पासिंग क्राइटेरिया, सेकेंड के जो आपके लिए कन्वीनियंट हो कि आपके घर के पास जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, और थर्ड चीज़ के एक्स्ट्रा जो इवेंट्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टडीज़ के अलावा, तो वो भी लाजमी आप करें। और मैं सजेस्ट करूँगी जब आप यूनिवर्सिटी में आएँ तो ऐसी चीज़ें में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, सिर्फ स्टडी मैटर नहीं करती, वो आपको डिप्रेशन में ले जाती है। अब मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं ये चीज़ फील करती हूँ, हमारा, मैं एवसीना में पढ़ी हूँ तो एवसीना में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तो बहुत कम है, स्टडी ही बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसा भी प्रेफर करें, लेकिन अगर आपको स्टडी ही करना पसंद है तो एवसीना आपके लिए बेस्ट है, आप आ जाएं एज यू विश। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो, आई होप यू लाइक इट, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगेन प्लीज प्रे फॉर माय एग्जाम्स, इट्स गोना बी नेक्स्ट मंथ इन फेब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, प्लीज टेक केयर।